उत्तर प्रदेश में अटेंडेंस लगाने के लिए टीचरों को कहा गया है, जिसके बाद से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप भी ले लिया गया है और कहीं ना कहीं जो ट्वीट किया गया है राजनीतिक तौर से भी कि ये टीचरों के लिए गलत है, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि ये सही है और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इस पूरे पूरे उठा जो वहापो है उसके बीच में आखिर किस तरीके से ये फायदेमंद है कि नहीं है गवर्नमेंट के लिए, और टीचर आखिर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और इस सवाल की कड़ी को बीच में जानने के लिए हम आए हैं प्रमेंद्र कुमार शुक्ला के पास में। प्रमेंद्र कुमार शुक्ला जो खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विद्यालय जो निरीक्षक संघ है उसके भी है, यानी कि ये मॉनिटर भी करते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या क्या होना चाहिए विद्यालयों में और किस तरीके से सुविधाएं जो गवर्नमेंट दे रही है वो कैसे अच्छी तरीके से आए। प्रवीण जी, जिस तरीके से ये अटेंडेंस का इशू आया है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ये अटेंडेंस जो की है वो क्या है, पहले तो बता दीजिए और फिर कितना ये सही मानते हैं? मैं जहाँ तक मानता हूँ कि प्रत्येक सिस्टम में सुधार होता रहता है। तकनीक के युग में जब आज हम हर क्षेत्र में डिजिटल की बात कर रहे हैं, ऐसे में मैनुअल की जगह पे डिजिटल अटेंडेंस की जो बात गवर्नमेंट लेके आई है, इससे शिक्षा में सुधार हो, इससे समाज में जो भ्रांतियाँ हैं कि शिक्षक स्कूल में नहीं जाते हैं उनकी भ्रांति भी दूर होगी, इससे हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी, हमारी साख बढ़ेगी, हमारे ओके शिक्षा का स्तर सुधरेगा। लेकिन विरोध हो रहा है इसको लेकर, शिक्षक विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये अटेंडेंस ठीक नहीं है और कई तरीके की बातें कर रहे हैं, तो फिर अगर ये स्तर सुधारने की बात कह रहे हैं तो शिक्षा की विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? इसमें कुछ चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे शिक्षकों द्वारा बताया गया कि यदि किसी शिक्षक के साथ जाने में विलंब हो गया, कैजुअलिटी के कारण हो गया, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस अवस्था में क्या किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने भी सुझाव दिया था कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो कि जैसे 2 दिन कोई हाफ डे आधे घंटे विलंब से आता है तो उसका हाफ सीएल कट जाए, हाफ सीएल का प्रावधान केवल इस तरह की इमरजेंसी के लिए रखा जाए, स्कूल में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हाफ सेल देते हुए छोड़ दिया जाए अधिकारी को सूचित दे करके। इसमें सुधार की बात तो हो सकती है, समस्याओं को संज्ञान में लेकर के उस पर आगे बढ़ने की बात हो सकती है, लेकिन इसका विरोध करने से समाज में गलत गलत संदेश जा रहा है। मैं इसके पक्ष में हूँ कि हमारे शिक्षकों की साख बढ़े, शिक्षक की स्वीकार्यता समाज में बढ़े, हमारे सरकारी स्कूलों की स्वीकार्यता बढ़े। तो अटेंडेंस आखिर लेनी कैसे, यानी कि शिक्षक को अटेंडेंस देनी कैसे है, क्या उसको फेस रिकॉग्नाइजेशन भी देना है या सिर्फ अटेंडेंस देनी है? वर्तमान में जो व्यवस्था दी गई है कि वो अपने सिस्टम से एक बार लॉगिन कर लेगा और उसमें लॉगिन के समय फेस रिकॉग्निशन है, लेकिन एक बार जब वो अपने सिस्टम में लॉगिन कर देगा उसके बाद उसे अपने अटेंडेंस केवल स्कूल में रहते हुए उसको दर्ज कराना है, उस समय फेस रिकॉग्निशन नहीं। तो जो मान के चले कि जो शिक्षक अगर नहीं पहुंच पाता है फिर वहां पर अटेंडेंस नहीं कर पाता है, या टाइम जो विंडो खुलेगी तो अगर वो नहीं कर पाता तो उसकी फिर अटेंडेंस अनुपस्थिति मानी जाएगी क्या इस टैग के बाद से ऐसे? इन समस्याओं को लेकर के भी कम से कम डायरेक्टरेट स्तर पे विचार विमर्श होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। हम संगठन के नाते भी हम लोग बात करेंगे कि शिक्षकों की इन समस्याओं को संज्ञान में लिया जाए कि यदि कोई शिक्षक बाई चांस एक्सीडेंट वश प्राकृतिक किसी बारिश या दुर्घटना वश लेट होता है तो अधिकारी स्तर पर वो अपनी स्थिति को मोबाइल के माध्यम से संसूचित कर दे। जैसे नेट नहीं चल रहा है, कई जगह शिक्षकों ने जिन्होंने अटेंडेंस देनी चाहिए उन्होंने अपने मोबाइल के माध्यम से रिकॉग्निशन फोटो का अपना फोटो दे करके भेजा कि हम स्कूल में हैं, हमारा नेट नहीं चल रहा है। अभी भी बहुत सारे दूर क्षेत्रों में ऐसा है जहाँ पे नेट नहीं प्रॉपर चलता है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई शिक्षक उपस्थित है और उसे अनुपस्थित माना जाएगा तो ये गलत होगा, तो इसके समाधान आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसकी भी बात सुनी तो जाए। आपको लगता है कि ये बदलाव की ज़रूरत है इस सिस्टम में कुछ, अभी जो अटेंडेंस वाला है इसको लेकर आप लोग भी कहीं ना कहीं ये पटल पे रखेंगे डायरेक्टर के सामने? बिल्कुल, अभी इसको पायलट मोड में चलाना चाहिए था, एक टेस्टिंग मोड में चलाना चाहिए था, और इसको लेकर के जो भी समस्या आती है चाहे शिक्षक के लेवल पे या हमारे स्तर पे प्रशासन के स्तर पे, तो इसको देख करके उसको दूर करना चाहिए। और एक और मेरा सुझाव है कि जब मानव संपदा जो हमारी जिसे पेरोल और सारा कुछ गवर्न हो रहा है, टीचर का अटेंडेंस भी जाता है, वेतन निकलता है, तो अटेंडेंस को भी उसी से जोड़ना चाहिए, ना कि एक अलग प्रेरणा या प्राइवेट एजेंसी को नहीं देना चाहिए, सरकारी NIC के माध्यम से चलाना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट का राजस्व भी बचेगा। क्या इससे जो बच्चों की अटेंडेंस है वो भी इसी से लगाई जाएगी, या जो मिड डे मील का जो होता है बंटवारा या बांटा जाता है वो भी इसी से किया जाएगा ऐप के थ्रू, प्रणाय के? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि बहुत जगह अभी जहाँ पे अटेंडेंस शुरू हो गई है इसमें है, जितनी पंजिकाएं हैं डिजिटल ही है और इसके माध्यम से बच्चों की अटेंडेंस ली भी जा रही है। जो हमारा शिक्षक मिड डे मील में बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं स्थानीय लोकल रूप में, उनके बारे में भी ये भ्रांति दूर हो सकेगी और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है।
यानी कि मान के चले अटेंडेंस के साथ में मिड डे मील और बच्चों की अटेंडेंस भी, और साथ में टीचर जब जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं अब ऐप के जरिए और की जाएंगी, जिसकी का कहीं ना कहीं विरोध है, लेकिन इसमें करेक्शन की जरूरत है। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम का हमें स्वागत करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक भ्रांति है, कहीं पे अंडरस्टैंडिंग की कमी है आपस में, उसको संवाद से दूर करना चाहिए और सरकार को भी आगे बढ़ के इस पर संवाद का रास्ता खोलना चाहिए। धन्यवाद। प्रवीण शुक्ला जी हैं, साफ तौर से इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो जो ये अटेंडेंस का इशू आ रहा है उसको लेकर सरकार को अभी पायलट मोड पर इसको लॉन्च करना चाहिए था, और उसके साथ साथ जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ये हितकारी है, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं टीचरों की उपस्थिति भी इससे देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, और जिसको वो खुद बात करेंगे और कहीं ना कहीं जो फाइनलाइज होगा उसको आगे टीचरों के लिए हितकारी रूप में लाना चाहिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज।